तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो एक पैराबोलिक बाउल है, ठीक है ना, और उसके बॉटम बॉटम ओरिजिन पे है, और उसका जो शेप है ये पैराबोला इक्वेशन है उसका, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँगा तो ये दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 20। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 20 पर वेयर एक्स एंड वाई आर मीटर, द मैक्सिमम हाइट, वह मैक्सिमम हाइट निकालो एट विच ए स्मॉल मास एम कैन बी प्लेस्ड ऑन द बॉल विदाउट स्लिपिंग, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या म्यू दिया हुआ है 0.5। तो मैक्सिमम हाइट निकालना, देखो एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक छोटा सा बॉल रखता हूँ, छोटा सा पार्टिकल रखता हूँ जिससे वो स्लाइड न करे यार। तो चलो मान लो वो पार्टिकल मैं यहीं पे रख दिया, दिस पॉइंट पर, ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे रखा, और मैं ये रुका हुआ है, स्लाइड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है। तो अगर ये रुका हुआ है तो ये क्यों रुका हुआ है भाई? ऐसे सोचो कि हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग। तो ये वाली लाइन हॉरिजेंटल वाली लाइन है यहाँ पे, और ये वाली लाइन ये वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक ना, और ये वाली लाइन टेंजेंशियल लाइन है, टेंजेंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, पॉइंट पी है, ठीक ना। तो पॉइंट पी पे ये टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट का स्लोप है, अलग अलग पॉइंट का स्लोप है, इस पॉइंट का स्लोप थीटा है, ये वाली चीज़, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ये डी वाई है और ये डी वाई है और ये डी एक्स है, तो थीटा की यहाँ की टेन थीटा की जो वैल्यू है स्लोप इस पॉइंट का, वो है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले फोर्स देखो, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस बीड। अगर पार्टिकल पे फोर्स देखोगे तो सबसे पहले तो इस पे वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो दिस इज द वेट एम जी, और अगर स्लाइडिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो इस पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की साइड आएगा टेंजेंशियल लाइन में इधर, सिंस बॉडी इज इक्विलिब्रियम सो नेट फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अलावा ये नॉर्मल, इसके पास मास है तो ये वाली लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक ना। तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग ये वाला नॉर्मल आएगा, दीज आर द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। अब हमें क्या करना है कि सिंस पार्टिकल इज रेस्ट सो फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा और नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा, तो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है एम जी का एक कंपोनेंट, एम जी का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन के अगेंस्ट आएगा जिसका नाम होगा एम जी, यहाँ से ये अगर ये थीटा है तो यहाँ पर तुम देखोगे ये भी थीटा है, तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इधर आएगा जो कि फ्रिक्शन के बैलेंस करेगा, और एक नॉर्मल के ऑपोजिट आएगा जो एम जी कॉस थीटा होगा जो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, इंक्लाइन प्लेन आप इमेजिंग कर सकते हो यहाँ यार, ठीक है। तो अब कुल मिला के अब मैं यहाँ से इक्वेशन ये, सिंस हाइट मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा हाइट मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम बैलेंस किया होगा किसको, एम जी साइन थीटा को। तो यहाँ से तुम इसी इक्वेशन को सॉल्व करे हुए तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है यहाँ से एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर है एम जी कॉस थीटा के, तो नॉर्मल की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो एम जी यहाँ से कॉस थीटा इक्वल होगा यहाँ से एम जी साइन थीटा के। तो अगर यहाँ देखोगे एम जी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो तुम यहाँ पर देखोगे तो म्यू की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो पैराबोलिक इक्वेशन था, जो पैराबोला दिया था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 20, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ले लूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/20 तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टू टाइम्स, और टू टाइम्स यहाँ से एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं है, इस पॉइंट का स्लोप है टेन थीटा है, और यहाँ से 2x मतलब एक्स बाई टेन बचा, और टेन थीटा की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स बाई टेन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ पहले ही दे रखा था 10 0.5, तो ये आ जाएगा 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मतलब 5 मीटर। तो 5 मीटर पे एक्स होगा, तो मैक्सिमम हाइट, तो वाई मैक्सिमम या हाइट
जो है वही हमें चाहिए। तो हाइट मैक्सिमम जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 20 है, तो जिस एक्स पर, तो ये 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, मतलब ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 से ये कट गया, 12.5 10 से डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 1.25 यहाँ से, दैट इज़ वाई मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम हाइट है वाई की वैल्यू जिस पे पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, और ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्स, तो 1.25 इसका फाइनल सोल्यूशन। आई होप मतलब 1.25, आई होप ये मज़ा आ गया होगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।